जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। गुड मॉर्निंग, गोइंग फॉर वर्क? नहीं। अरे पर क्यों, तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस तो वापस मिल गया ना, तो फिर ये लाइसेंस मेरे लिए तुम्हारा गिफ्ट है और इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से पहले मैं तुम्हें पर्सनली मिलकर थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो क्या तुम मिलोगे मुझसे? देखो, ऐसी कोई डील नहीं थी हमारी कि मैं पर्सनली मिलूंगा तभी तुम काम पर जाओगी। ओके ना, रुके, चाहे तो इसे मेरी शर्त समझो। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, लेकिन मैं दोबारा डिजाइनिंग तब शुरू करूंगी जब तुम मुझसे मिलोगे। ठीक है, हम आज शाम को मिलेंगे 4 बजे कॉफी बीन्स कैफे पर। जी अजी, ठीक है, अभी पहुंचता हूं। यही सही समय है सच जानने का। ये तो उमदगांव से आने वाले रास्ते की टोल टैक्स टिकट है। टेप देखते हैं। ये तो वही डेट है जिस दिन मुझे टेकरी का राज पता चला था। उस दिन विराट क्या कर रहा था वह मुझे पता लगा नहीं होगा, पर कैसे? वैसे तबीयत कैसी है अब तेरी? बेटर हो जीजी, खुद देख लो, खुद देख लो, एकदम फिट एंड फाइन। वो तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन अभी अपने आप को ज्यादा एक्सर्ट करने की जरूरत नहीं है वरना जल्दी थकान आ जाएगी। ये रहा तुम्हारा वॉलेट और तुम्हारा लाइसेंस, ये सब मुझे उसी पहाड़ी पे मिला। आखिर मेरा वॉलेट उस पहाड़ी पर पहुंचा कैसे? मैं गाड़ी से उतरकर सीधा आवास से मिलने गया था, ना कोई झड़प ना कुछ। और अगर मेरा वॉलेट गिरा भी तो मेरा लाइसेंस वगैरह इधर उधर कैसे बिखर गया? इसमें जरूर किसी का हाथ है, किसी ने जानबूझकर मेरे खिलाफ वो सबूत वहां छोड़े ताकि अवनी को, उसके परिवार को और पुलिस को भी यकीन हो जाए कि मैंने आवास का खून किया है। लेकिन ये आदमी कौन हो सकता है इस बात का पता मुझे लगाना ही होगा। मेरा फेवरेट ड्रेस, शादी के बाद तो उसे पहने ही नहीं। जब मैं आपा से मिलकर लौटा था तो मेरा वॉलेट और लाइसेंस मेरे पास ही था, आई एम 100% श्योर। तो फिर वो मर्डर की जगह पे पहुंचा कैसे? हेलो मामी, नमस्ते।
अवनी, अवनी, अवनी तो ठीक तो है ना? शुक्र है भगवान का, मेरे तो चिंता के मारे जान ही सूख गई थी। उस रात के बाद मैंने तुझसे बात करने की कितनी कोशिश की, पर तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। एक आदमी है विराट, वो उमद गांव में तेरी हत्या करने के लिए आया था उस रात। विराट, इसका मतलब मेरा वॉलेट मेरे घर से गायब हुआ है। लेकिन ये काम किसका हो सकता है? कौन हो सकता है जिसने मेरा वॉलेट उठाकर उस जगह पर रख दिया जहां आवास की मौत हुई थी? विराट बहुत ही बुरा आदमी, इंसान नहीं शैतान है वो, शैतान। मुझे अच्छी तरह से याद है, संगीता ने एक दिन उसे गांव की लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए पकड़ा था और बहुत थप्पड़ मारे थे उसे। ओह, अब समझे, इसलिए माँ मुझे विराट से दूर रखना चाहती थी। हाँ, और उसी ने संगीता की जिंदगी बर्बाद की। क्या, कैसे? लेकिन यहाँ घर में किसी को पता नहीं था कि मैं आवाज से मिलने जा रहा हूँ, कोई ये बात नहीं जानता था सिवाय आभास ने तारे को फोन किया और मेहरानगढ़ की चोटी पे बुलाया, सिवाय विराट मामा के। सिर्फ विराट मामा जानते थे कि मैं आभास से कब और कहां मिलूंगा। इसका मतलब है कि मेरी माँ और राज के डैड की जिंदगी बर्बाद करने वाला और कोई नहीं, विराट है। हाँ बेटा, और वो अब तुझे खत्म कर देना चाहता है। क्या, मुझे क्यों मारना चाहता है? वो विराट ही था जो पूरे गाँव को भड़का रहा था तेरे खिलाफ, तुझे ढूंढ कर खत्म कर देने के लिए उकसा रहा था गांव वालों को। पहले वो तुम्हारी माँ की जिंदगी में तूफान लेके आया, उसे घर और गांव से बेदखल करवाया, और अब वो तुम्हारी खुशियां मिटाने पे तुला हुआ है। वो इसी मेहनत की बात कर रहा था जो बेकार चली गई। इसका मतलब दोनों परिवारों में आई दूरी का कारण विराट है। विराट ने आवास का खून किया है। विराट मामा बहुत बुरे, उमद गांव में जो लोग हमारे पीछे पड़े थे हमें मारने के लिए, वो भी उनके भड़काने पर आए थे। क्या, वो वहां भी पहुंच गए थे? सारे रास्ते बंद कर दो, दुश्मन भागने न पाए, समझ गए? क्या? ओह यस, तब भी वो और जानी बचानी लग रही थी अपनी, लेकिन तब भी इतनी टेंशन थी कि मुझे। और वो मैं इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि शायद उनका राज खुल जाएगा। लेकिन अपनी, अब तो उन्होंने बुराई की हद पार कर दी है, आभास के मौत के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। उन्होंने मुझे इल्जाम में फंसा दिया अपनी। आभास भाई, उनकी क्या गलती थी? उन्हें क्यों मारा? मेरे मामा ने तुम्हारे परिवार को यकीन दिला दिया अपनी कि मैंने आभास का खून किया है ताकि तुम सब मुझसे नफरत कर सको, मुझे बर्बाद कर सको। अपनी, तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत तकलीफ पहुंचाई, तुम्हारे परिवार को इस तरह बेइज्जत, नफरत हो रही है मुझे अपने आप से, बहुत बड़ी गलती हो गई राज, वेरी सॉरी। मैंने भी तुमसे नफरत की, तुम्हारे पूरे परिवार से नफरत की, हमने दोस्ती के साथ कितना गलत किया आपने। मुझे तो लगा कि मैंने जैसे तुम्हें खो दिया राज। I love you too. स्माइल पारी को मैसेज कर देती हूँ कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। नहीं, शायद वो मुझे सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए कहा कि यहीं पर मिलेगा डायरेक्टली। कितने दिनों बाद ये छोटे छोटे क्यूट गेम्स, ये सरप्राइजेस एंजॉय कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से टीनेजर बन गई हूँ, यंग हैप्पी, जैसा अक्षत के साथ फील किया करती थी। अक्षत, कहीं मैं अक्षत के साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ? नहीं, मुझे
मुझे इस मैलबरी से मिलना नहीं चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।